सर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात लगातार हो रही है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं, लेकिन अब तक ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो आज पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जिस ढंग से जागरूकता लाने का काम किया है और देश के लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया की आबादी का हम 18 से 20% व्यवहारिक रूप में हो गए हैं, हमारे पास जमीन 2.5% है, पानी 4% है, चाइना से मेरी जीडीपी भारत का 1978 में भारत का जीडीपी चाइना से अधिक था, लेकिन चाइना 1979 में उसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाया, जिसके कारण कई पत्रकारों का कहना है कि 60 करोड़ आबादी रोकने का काम किया, आज चाइना आर्थिक ऊंचाई पर जा रहा है, आज भारत के लिए सामाजिक समरसता के लिए आर्थिक ऊंचाई पर जाने के लिए साधन सीमित है, इन साधन सीमित साधन में भारत को चौतरफा विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे और भारत में 1 मिनट में 30-31 बच्चे, हम कहां से कम्पीट कर पाएंगे, इसलिए देश में एक ऐसा कानून लाना चाहिए, इसे राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे देश के चश्मे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक ऐसा कानून हो जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सभी पर समान रूप से लगे, लेकिन कानून ऐसा कड़ा कानून होनी चाहिए जो जो ना भी माने उसे मानना पड़े, उस पर सरकारी सारे नियम लागू होनी चाहिए, सरकारी चीजों से उन्हें मुक्त करना चाहिए जो ना माने, और तो और वोटिंग राइट भी समाप्त कर देना चाहिए। बैरिस्टर साहब का आप जिक्र कर रहे थे मन से भी, वो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है, रुक के सर जो बैरिस्टर साहब है वो पता नहीं उनके डीएनए में जिन्ना का डीएनए बैठ गया, और वो आज तक देश में नफरत छोड़ करके कुछ नहीं फैलाते, वो गजवाए हिंद के समर्थक है, और आज देश को गजवाए हिंद नहीं चाहिए, भारत माता का सपूत चाहिए। सर बिहार में लव जिहाद की बात कर रहे हैं कि बिहार में लव जिहाद का खतरा बढ़ता जा रहा है, माता की दुर्भाग्य है कि इस देश में वोट की राजनीति करने वाले लोग हर चीज को बिहार में जो हो रहा है वहां लव जिहाद का एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार वोट की लालच में तथा कथित अपने को सेकुलर कर